भाई मतलब जिसे आप लोग समझ रहे हो कि वो बालाजी टेलीफिल्म्स का कास्टिंग डायरेक्टर है, तो आप सब गलत हो, आप सब ट्रैप में फंसोगे। सबसे ज्यादा जो स्कैम होता है वो बालाजी के नाम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आजकल मुझे इतने सारे डीएम आते हैं और उसमें लिखा होता है कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया है बालाजी में, बालाजी से हमें कॉल आया है और हमारा सिलेक्शन हो गया है, वो हमें मुंबई बुला रहे हैं, हमसे रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। यार मतलब पहले तो सिर्फ एक या दो मैसेजेस आते थे तो मुझे लगा कि ठीक है फेक तो है ही, बट ठीक है मतलब एक दो आ रहे हैं। यार मतलब 3-4 महीने से इतने सारे सिमिलर न्यूज मुझे मिल रही है, इतने डीएम्स आ रहे हैं। मतलब आज भी सुबह मुझे मैसेज आया कि मैम बालाजी में मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे मुंबई बुलाया है। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं क्या बताऊं। तो सबसे पहले तो मैंने कभी बताया नहीं कि बालाजी का कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी भी प्रोडक्शन का जो कास्टिंग डायरेक्टर होता है वो चेंज होता रहता है। लाइक अगर आज एक कोई पर्सन कास्टिंग डायरेक्टर है उस प्रोडक्शन का, तो हो सकता है 1-2 साल में कोई दूसरा आ जाए, तो ऐसे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बता नहीं सकते कि कौन कास्टिंग डायरेक्टर है किसी प्रोडक्शन का। होता ये था कि पहले तो सिर्फ मुझे कहते थे कि भाई बालाजी से हमें कॉल आया, मैसेज आया, जो भी है, बट कुछ टाइम पहले ना सिमिलर मैसेज मुझे आ रहे थे कि उसमें एक बंदा है, ठीक है, उसका नाम भी लिया गया है, और जितने भी मेरे को मैसेजेस आए हैं उसमें उस बंदे का नाम था कि इस बंदे ने मुझे बुलाया है, ये बंदा है कास्टिंग डायरेक्टर बालाजी का, उसने हमें बुलाया है। तो पहले तो एक बार आया मुझे तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन ये इतने बार होने लगा सेम बंदे का नाम और सेम फेक मैसेजेस, और इवन मेरे घर में ये चीज़ हुआ। मतलब मैं तो हैरान थी। मेरे गांव में जो ऐसी आजू बाजू जो नेबर्स होते हैं उनमें से एक लड़की थी जिसने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि वो मुझे जानती थी कि मैं भाई काम करती हूँ इसमें, तो उसने मुझे पूछा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि दी देखो मुझे बालाजी से मैसेज आया है, मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो क्या ये सही है फेक है। तो मैंने देखा भाई ये बंदा है कौन, और जिस बंदे के नाम से ये मैसेजेस आ रहा था उसका नाम हनवाल, जो भी नाम है उस बंदे का, ये कास्टिंग डायरेक्टर है क्या बालाजी का। बट मैं जानती हूँ मैं बालाजी के साथ काम करती हूँ, तो वो बंदा तो ऑब्वियसली नहीं है, ना ही वो कास्टिंग डायरेक्टर है, ना ही कास्टिंग एसोसिएट है, तो वो है कौन। और सब लोग इसी का नाम ले रहे थे, और मेरे घर में जो सीन हुआ उसका उसमें भी उस आया मेंशन हुआ। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा नहीं ये सब फेक है, कोई बंदा नहीं है। बट एक दिन क्या हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया, मैंने कहा सर्च कर लेती हूँ यार एक बार इस नाम से, तो मैंने देखा कि भाई उसका प्रोफाइल था इंस्टाग्राम पे, और मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स में एक दो लोग उसे फॉलो करते हैं। तो मैं शॉक हो गई, मैंने कहा मतलब ये बंदा फेक तो नहीं है, ये बंदा है, होगा कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग कोऑर्डिनेटर। लेकिन उसके प्रोफाइल में सब एक्टिंग रिलेटेड पोस्ट थे, ठीक है, तो मैंने कहा शायद हाँ ये है, ये कोई बंदा है जो कास्टिंग करता है। देन मैंने एक चीज नोटिस किया, भाई मतलब जिसे आप लोग समझ रहे हो कि वो बालाजी टेलीफिल्म्स का कास्टिंग डायरेक्टर है, तो आप सब गलत हो, आप सब ट्रैप में फंसोगे। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम पे एक चीज नोटिस किया उसके प्रोफाइल में, उसके किसी भी चीज के नाम में पहले बालाजी अगर लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बालाजी ही है, जो एक फेमस नेम है बालाजी, वो नहीं है वो। पहले आप पूरी जानकारी तो लो, जैसे कि आप अगर आप लोग कहते हो आपको एक्टिंग में इतना इंटरेस्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि बालाजी का पूरा नाम क्या है, दैट इज बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, टेलीफिल्म्स। और इस बंदे के प्रोफाइल में लिखा है बालाजी, जो एक्चुअल बालाजी है उसका लोगो भी नहीं है, तो आप लोग कैसे अज्यूम कर सकते हो कि ये बंदा सही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बालाजी के बारे में बताती हूँ, बालाजी टेलीफिल्म्स के बारे में। ओके, वो लोग कभी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, ठीक है। सेकंड थिंग, कोई भी प्रोडक्शन आपको डायरेक्टली मैसेज नहीं करेगा, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज नहीं करेगा ये बोलते हुए कि हमने आपको लॉक कर लिया है, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है, बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं एक दो जो रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, बट ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम इतना चार्ज करते हैं, इतना रजिस्ट्रेशन लेते हैं फिर ही आप मुंबई आ सकते हो, नहीं।
और पहली बात, किसी भी बाहर इंसान जो मुंबई से बाहर है उसे मुंबई ऐसे नहीं बुलाया जाता है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए आपको मुंबई आना होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं बोलता ऐसा। क्योंकि अगर आपको सीरियल्स में काम करना है तो आप मुंबई बेस्ड होने चाहिए हो, अगर आप भले ही बाहर के हो तो आपको खुद ही मुंबई आना होगा, ठीक है। आपको अपना करियर स्टार्ट करना है तो आपको मुंबई में ही रहना होगा, कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया अब आप मुंबई आ जाओ, नहीं। तो पहले आप लोग समझ लो भाई, बालाजी आप उनको मैसेज कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के नाम पे कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। जिसने कभी एक्टिंग का ए भी नहीं पढ़ा है, उसका कुछ एक्टिंग रिलेटेड प्रोफाइल नहीं है, ना ही कुछ भी, ना ही उनको एक्टिंग आती है, आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो ये दिलासा दिला के कि आपका सिलेक्शन हुआ है टीवी में या फिल्म्स में, तो ऑब्वियसली ये चीज फेक ही हुआ ना। आई डोंट नो कितने लोगों ने उसे रजिस्ट्रेशन दिया होगा, कितने लोगों के साथ ये स्कैम हुआ होगा। ये बंदा भले ही अगर जेन्युइन होगा भी तो ये तरीका गलत है। अगर आपसे कोई पैसा मांग के काम करा रहा है तो वो सही नहीं है। और आप सोचो बालाजी प्रोडक्शंस, बालाजी टेलीफिल्म्स इतनी बड़ी कंपनी है, वो आपको क्यों मैसेज करेगी सबसे पहली बात। और चाहे वो छोटा रोल क्यों ना हो, कोई आपको मैसेज नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए। अगर आप एक्टिंग फील्ड में नहीं हो, कुछ भी लेना देना नहीं है एक्टिंग फील्ड से, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो। तो ऐसे मैसेजेस कभी भी आए किसी भी प्रोडक्शन के नाम पे तो आपको खुद समझ होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। और किसी भी प्रोडक्शन के नाम से कभी कोई स्कैम नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्कैम होता है वो बालाजी के नाम पे। प्लीज आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहो। और रही बात बालाजी का कास्टिंग डायरेक्टर कौन है, तो अभी फिलहाल जिसे मैं जानती हूँ वो संजीव है, ठीक है। मैं उनका लिंक विंक कुछ नहीं दे सकती क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी हो जाती है चीज़ें, तो मैं उतनी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सामने से ये परमिशन भी नहीं है कि मैं उनका नाम रिवील करूँ या उनका आईडी या फिर उनका मेल आईडी शेयर करूँ, ठीक है। तो जब हम लोग भी फ्रेशर्स थे ना, तो हमको ऐसे कितने मैसेजेस आते थे, फेसबुक में डीएम्स आते थे हमारे, पहले तो फेसबुक ही यूज़ करते थे हम लोग, कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर फिल्म्स टीवी या जो भी है, अगर आपको फिल्म्स टीवी में काम करना है तो आप मुझे मैसेज करो। तो ये सबसे बड़ा फेक मैसेजेस होता है, तो आपको खुद ही समझ जाना है। जब तक आप किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं करोगे मुंबई में रहकर, अगर आपका एक्टिंग से कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो समझ जाओ इसके अलावा आप कुछ भी मैसेजेस आए तो वो फेक ही है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होगी कि सही कास्टिंग कॉल क्या है और फेक कास्टिंग कॉल क्या है। इसलिए प्लीज आप लोग बेवकूफ ना बनो इन सब चीजों में। सो आई होप मैंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है, और दैट्स इट। सो प्लीज आप लोग सेफ रहो और ये सब स्कैम में मत पड़ो।